कॉमर्स स्टूडेंट। अबे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है ये तो सबको पता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी हाँ जी, देखिए देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी और ने लिखा था। आप बगैर से कुछ बोल भी रही थी। B.R. अम्बेडकर। एग्जैक्टली, सही जवाब है ये। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए छोटी मोटी मिस्टेक्स तो हो जाती है। अगला सवाल 4,000 रुपए के लिए, बहुत ही सिंपल, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, महासागर कौन सा? इंडियन ओशन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कभी कभार लोगों को पैसिफिक ओशन नाम याद नहीं आता है। हम एक और सवाल पूछेंगे उनसे, उनको एक ट्राई देंगे। ये क्वेश्चन का जवाब अगर अब आपने सही नहीं दिया तो जिया जी फिर कुछ नहीं हो सकता। एक एडल्ट के कितने दांत होते हैं? 32। थैंक गॉड, अरे एक तो आंसर सही दे चु। लेट्स गो। तो अब आप अपना जीपे यूपीआई पेटीएम बता सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। 9 8 8 2 2 2। बस 10 नंबर हो गया, ये हो गए सेंट। कांग्रेचुलेशंस। Are you really cool? Like, thank you. You can win 2,000 rupees. Are you ready? Yes. Question for you is, which is the tallest mountain in the world? Mount Everest. Are you sure about that? Yes. Should I lock it? Oh, no. Mount Everest is Everest. I don't know. The world me bola kya? Oh, Mount Everest. That is the right answer. Congratulations. You're so handsome, like... लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई। मैम यू जस्ट वॉन 4,000 रुपीज, कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ यू कैन विन 5। सो आपके लिए क्वेश्चन है ये, नेम द डेंसेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। Amazon forest. आपको लगता है कि वर्ल्ड का डेंसेस्ट फॉरेस्ट इज Amazon फॉरेस्ट? Amazon forest. आपको सच में लगता है कि Amazon forest is the densest forest? Confused. You are absolutely right. Congratulations. Yay. You just won 5,000 rupees. अब आप अपना UPI बता दो। I use Paytm. दे दो ना। नहीं नहीं, मामी ने कहा मेरा पापा का है। दे दो ना पापा का। तो हम गेम में कॉल करेगा क्या उसको? अरे आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। यू आर सो वेरी क्यूट। ओ भाई ट्रिगर इंसान। यो ब्रो व्हाट्स अप। अरे यार मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम अमृत साहब है। अमृत साहब स्वागत है आपका सस्ते कौन बनेगा करोड़पति में, जहाँ पे आप मेरे साथ जीत सकते हैं 2,000 रुपए सिर्फ एक। जी हाँ आपको पता है, जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है वो किसने फाइंड करी थी, स्टार्ट किसने करी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कमेंट्स में तुम लोग भी बताना। नहीं मुझे नहीं पता भाई। सीरियसली? नहीं पता मुझे सच में। जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप खाना खाने के बाद क्या मांगते हैं? बिल। भाई नहीं पता बिल। ये मेरे पीछे क्या है? ये मेरे पीछे क्या है? चेयर। बिल चेयर। बिल चेयर। बिल चेयर। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। अरे ये जिससे कमरे के अंदर और बाहर आ सकते हैं। डोर। अपार्टमेंट में एंट्री कहाँ से होती है?
अरे यार मुझे नहीं मालूम। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक अपार्टमेंट का वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे आप आते हो, वहाँ पे एक चौकीदार होता है, फिर वो आप एंटर करते हो उसके थ्रू और फिर कहीं पे जाते हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे नहीं मालूम यार, तुम ही बता दो। गेट? गेट हाँ भाई। अभी भी नहीं? अफसोस, ये गलत जवाब। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आपको सही जवाब बता सकूं। अच्छा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है वो किसने दिया था? अरे यार ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं है, बहुत इजी है। अरे इसमें हिंट नहीं मिलेगा? इसमें हिंट बहुत इजी हो जाएगा। वो बंदा एक दिन पेड़ के नीचे बैठ के सो रहा था और फिर अरे यार, अरे ये भी हमको स्कूल में बताया था शायद यार। फिर उसके सर पे कुछ ऐसा पड़ोंग करके गिरा। हाँ हाँ भाई, एप्पल गिरा था। तो वो कौन है? अरे यार दिमाग नहीं है अभी। Later. आपके पास 5 सेकंड है। लॉ ऑफ ग्रेविटी भाई साहब। अफसोस, समय समाप्त हुआ। आंसर था न्यूटन। न्यूटन भाई, हाँ न्यूटन बाबा ने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। बट आप अच्छा खेले भैया। अगर एक क्वेश्चन का जवाब सही दिया तो आई विल गिव यू 2000 राइट नाउ। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन 2000 रुपए के लिए ये रहा। मुझे बस इतना बता दो, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। वेरी गुड, सी बहुत इजी था ये बताना। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई आप। अब ये 2000 को आई विल मेक 4000 अगर आप मेरे को उन 8ों के नाम भी बता दोगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इजीएस्ट 4000 रुपए आपकी लाइफ के। आपका नाम क्या है? तनाया। इजीएस्ट 4000 रुपए। अब देखो, क्योंकि मेरे को आप लग रहे हो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आई विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चन। जब तक आप गलत नहीं दोगे तब तक पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन, अगर आपने सही जवाब दिया तो 4 के 6। ओके, एक्चुअली ये क्वेश्चन तनाया जी काफी मुश्किल है, बट अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया ना तो मैं कह रहा हूँ 6 नहीं सीधा 10 ही ले लेना, ठीक है? ये चीज ना पक्का स्कूल में 2nd-3rd class के बच्चों को भी पता होगी, क्योंकि तब उनको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। तो ये 2nd class के बच्चे दे सकते हैं आंसर। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर तो ये मैं स्कूल में याद होता था। मैं इसकी एक हिंट देता हूँ, इसका नाम ना एक सब्जी से मिलता है, जो सरनेम है ना उस सब्जी को हम हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। गोभी कैबेज। कैबेज क्या? उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। बैबेज कुछ तो था, चार्ल्स बैबेज शायद। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया 10,000 रुपए से, तो यार तुक्का मार दिया, सही हो गया। अद्भुत, अद्भुत। Congratulations, Saraya, that is the right answer. Charles Babbage is the right answer. And सच में cabbage वाली hint से भी मेरे को लगा नहीं था निकलेगा, but you are very intelligent. But as I said, जब तक आप गलत जवाब नहीं दे रहे हो मैं पूछे जा रहा हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन 12,000 के लिए। Who was the first man in space? सोचो एक हिंट ये हो सकती है कि वो सोवियत यूनियन यानी रशिया का था। वो मुझे लेडी गागा के गाने काफी पसंद है और मुझे पूरी भी बहुत पसंद है। मैं पूरी खाते खाते लेडी गागा के गाने सुनता हूँ। मैंने आंसर दे दिया है, पता है? मैंने गलती से हिंट देते देते आंसर दे दिया है। पूरी खाते खाते गागा, यूरी गागा। Oh my God. Okay, so Tanaya ji, Yuri Gaga nahi, the actual answer is Yuri Gagarin. Aur iske liye I cannot give you money kyunki ye answer maine hi diya hai. Puri bolte bolte Yuri bol diya aur Lady Gaga kaafi zyada hi hint ho gayi thi. But you win 10,000 rupees. Congratulations for that. And isi ke saath
तनाया जी आप बन गई है हमारी आज की सबसे बड़ी अमाउंट की विजेता। 10,000 रूपए सेंट टू आर्यस म्यूजिक्ट्रॉनिक। लड़के की फोटो क्यों है यहाँ पे? मेरा भाई। अच्छा, मैं विग पहन के लड़का हाँ। तो नहीं बैठा हुआ। कितने महीने ऐसे हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? मतलब कितने दिन? 28 डेज होते हैं। ऐसे कितने महीने हैं? एक महीना है। चार साल में एक महीना है। 5 साल। मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, ये ट्रिक क्वेश्चन था। 28 दिन तो सभी महीनों में होते हैं। क्या माइला? अब मैं जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम क्या है? नील नदी। नील। यू आर राइट। अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम। इब्राहिम भाई, आप जीत चुके हैं 2,000 रुपए, लेकिन आप अब इसको डबल कर सकते हैं 4,000 रुपए के लिए। प्रश्न आपके कंप्यूटर से दौड़ रहा है। व्हिच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन? सन के सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है? वीनस। सोलर सिस्टम में सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट आप कह रहे हैं वीनस है। मार्स। तो इब्राहिम भाई, क्या इसको लॉक कर दिया जाए? आप बड़े यार। वीनस को लॉक करें। मार्स नहीं। मार्स तो दूसरे नंबर पे आता है ना। अच्छा, दूसरे पे मार्स है। फिर थर्ड पे हमारा, हम जो रहते हैं, अर्थ। तो फिर अर्थ के नेक्स्ट कौन सा है? अबे यार, मैं भी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा इब्राहिम भाई कि वो प्लैनेट का नाम है तो एम से ही, लेकिन वो मार्स नहीं है। अफसोस, ये गलत जवाब। मर्करी, मर्करी, मर्करी। अभी मर्करी, मर्करी, मर्करी। ओ, बट कौन बनेगा करोड़पति में ऐसा नहीं होता ना, एक बार गलत हो गया तो हो गया, अभी सही थोड़ी ना हो पाएगा। दूसरा अच्छा, एक और मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, अब इनको मजा आ रहा है तो फिर इस बात पे एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। वो कौन सी बर्ड है जो सबसे बड़ा अंडा देती है? विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग? ऑस्ट्रिच। नहीं। शोर है? अरे यार, तुम्हारी ये एक्सप्रेशन मुझे लॉक कर दो इसको। डायनासोर। अरे डायनासोर बर्ड है। हो भी सकता है मुझे। क्या डायनासोर को लॉक करूं फिर? हाँ, डायनासोर को लॉक कर। पर डायनासोर तो भाई एग्जिस्ट भी नहीं करते, मैं तो अभी करंट का पूछ रहा हूँ। ऑस्ट्रिच को लॉक कर दिया जाए। इब्राहिम भाई, अफसोस, अगर आप डायनासोर बोलते तो वो गलत होता, लेकिन ऑस्ट्रिच सही जवाब है। ऑस्ट्रिच इज द राइट आंसर। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कांग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं 5,000 रुपए। अब आप अपना जीपे बता दीजिए, अभी आपको मनी सेंड हो जाएगा। एंड इब्राहिम भाई, ये 5,000 रुपए सेंट। आप क्या केएल राहुल? हेलो भाई। सेम टू सेम कलर जरा। भाई क्रिकेट विकेट छोड़ के यहाँ पर आ गए हो? हाँ भाई। तो केएल राहुल भाई, आपके लिए प्रश्न है ये। इंडिया के ओपनर्स का नाम क्या है अभी लेटेस्ट? रोहित शर्मा और केएल राहुल। क्या बात है, सही जवाब, सही जवाब। आप जीत चुके हैं 2,000 रुपए। अरे ट्रेवर्ड इंसान। अरे घास बोल रही है? हाँ भाई, घास बोल रही है। हाय घास, हाउ आर यू ब्रो? भाई बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? अरे घास यार, आप भी वीडियोस देखते हो? हाँ भाई बिल्कुल देखता हूँ यार। वाह यार, मेरे को लगता है सिर्फ बच्चे वीडियो देखते हैं। क्या था ये? I will ask you one question. अगर सही जवाब दिया, I will give you 2,000 rupees. Don't skip. नहीं नहीं कर रही, नहीं कर रही, नहीं चल यार। Hi. आपके लिए 2,000 रुपए के लिए सवाल है ये। Which is the smallest state of India? इंडिया की सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? बहुत इजी है। गोवा। Absolutely right answer. Congratulations. देखा? मैंने बोला ना बहुत इजी है। 2,000 आप जीत गए हैं। मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा कितनी प्यारी है। ये इतनी गर्मी में इतने ठंडे कपड़े क्यों पहन के बैठे हुए हो? गुड क्वेश्चन। मैं ऑस्ट्रेलिया में ना, तो इधर ठंड है। ओ, NRI. ओके, NRI है। तो NRI क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया दे
प्राइम मिनिस्टर कौन है गे? Who is the Prime Minister of Australia? पहला तो स्कॉट मॉरिसन सी, हुन नहीं पता। हुन नहीं पता? यार ऐसा होने दिक्कत होगी। अरे मैं को आ जाएगा यार, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ले लो फुल टाइम ही टाइम है साढ़े को, आप तो वेले है गे। अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ, उनका जो सरनेम है ना वो इसको क्या बोलते हैं? एल्बो। हाँ ठीक है, इसको आधा कर दो। एल एल एल्ब एल्ब एल्बा एल्बिस एल्बा। हाँ 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 एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन गाइस। I'm stunned. बताओ यार, ऑस्ट्रेलिया में रह के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता? देखो मेरे को पता है इंडिया के प्रधानमंत्री का नाम, नरेंद्र मोदी जी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। मेरे को पुराने वाले का पता है ना, वो नया वाला जब बना तो मैं इंडिया में थी। कोई सेंसेस बात एनीवेज गाइस, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा भी मैंने और लोगों को पैसे गिव अवे करे थे ओमेगल पे, लेकिन अगर मैंने वो सारे दिखा दिए तो वीडियो एक घंटे की हो जाएगी, मैंने इसलिए बेस्ट बेस्ट पार्ट जो थे वो दिखा दिए। तो मैं इस वीडियो को लाइक कर देना अगर और ऐसी वीडियो देखनी है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे बढ़िया 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 भाई, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका मैं। अरे थैंक यू सो मच। मेरी बात सुनो, तुम चार लोग हो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया आई विल पे यू 8,000 rupees, दो दो हर एक के। आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा है? यमुना। अरे सही जवाब।